अस्पताल में आईसीयू बेड लगभग सभी फुल हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लगभग 1200 आईसीयू बेड तैयार हो रहे हैं। दिल्ली में जो केस कम हो रहे हैं उसमें दिल्ली वासियों का पूरा सहयोग रहा है। आज सब लोग बात कर रहे हैं कि इतने कम समय में दिल्ली ने कैसे कोरोना केस कम कर लिए। अभी भी 8500 केस आए हैं, इस आंकड़े को जीरो तक ले जाना है। आप सबको नमस्कार। इतने मायूसी के माहौल में आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज्यादा केस आए थे, आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। संक्रमण दर का मतलब, अगर हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें कितने लोगों को कोरोना मिलता है। ज्यादा संक्रमण दर का मतलब होता है कि कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। आज ये संक्रमण दर केवल 12% आई है। 22 अप्रैल को ये 36% तक पहुंच गई थी दिल्ली में संक्रमण दर। इसका मतलब दिल्ली में अब काफी कम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज कम हो गए हैं, यानी कि 3,000 बेड खाली हो गए हैं। और अब अस्पतालों में बेड मिलने में परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि एक बात देखने में आई है कि आईसीयू के बेड अभी भी भरे हुए हैं। इसका मतलब सीरियस मरीजों की संख्या अभी ज्यादा कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड लगभग सारे भरे हुए हैं। इस दिशा में भी आपकी सरकार काम कर रही है। लगभग 1200 नए आईसीयू बेड बनके तैयार हो गए हैं और आज या कल में ये चालू होने वाले हैं। इससे अपने दिल्ली वासियों को काफी राहत मिलेगी। दिल्ली में जो केस कम हो रहे हैं इसमें हर दिल्लीवासी का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। हमने दिल्ली में बहुत कड़ा लॉकडाउन लगाया, लेकिन दिल्ली वासियों ने उसमें पूरा सहयोग किया। सबने पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया। आज सब लोग बात कर रहे हैं कि दिल्ली वासियों ने इतने कम समय में कोरोना के केस कम कैसे कर लिए। ये केवल और केवल दिल्ली वासियों के अनुशासित आचरण की वजह से हुआ है।